नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के आज के इतिहास में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं आज 15 अक्टूबर है, तो आइए जानते हैं आज के इतिहास के पन्नों में। 1931 आज ही के दिन भारत के 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1932 टाटा कंपनी के हवाई जहाज ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण के बाद यही कंपनी एयर इंडिया कहलाई है। 1997 आज ही के दिन अरुंधति राय को उनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए ब्रिटेन के सबसे प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था। 2006 आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाया। पीपी न्यूज लाइन के आज के इतिहास में बस इतना ही। कल होगी फिर से मुलाकात एक नए इतिहास के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।